हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। जिस एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश पूछा जाता है तो उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन, और नाउन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी देखेंगे, और क्या क्या रूल होते हैं वो भी हम लोग सारे देखेंगे। तो हम लोग चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हम लोग रोज़ एक इंग्लिश का वीडियो भी रोज़ अपलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, मतलब कोई भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे एवरीथिंग ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन, संसार की प्रत्येक वस्तु संज्ञा कहलाती है, या जिसका नाम है वही संज्ञा है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो राम, सीता, रिवर, माउंटेन, राइस, वाटर एक्सेट्रा सभी नाउन है। ठीक है, तो नाउन क्या है? तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट है काइंड ऑफ नाउन। तो नाउन के प्रकार क्या है? तो सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो हिंदी वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं दोनों के लिए ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोनों में मैं समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझाऊंगा। तो सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को क्या बोला जाता है? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को क्या बोला जाता है? समवाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। मतलब नाउन के कितने प्रकार हैं? तो पांच प्रकार हैं। ठीक है, वो पांच प्रकार आपको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन किसको बोला जाता है। तो प्रॉपर नाउन, देखिए, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम इस या फिर सिंगल नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिंगल नेम ऑफ पर्सन, एग्जाम्पल अगर बात करें, सिंगल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे राम हो गया, गंगा हो गया, रिवर, रेनॉल्ड पेन, तूफान, ये सब एक सिंगल नेम है। जैसे राम क्या है? सिंगल नेम ऑफ पर्सन है। प्लेस, देखिए, प्लेस जैसे हो गया आपका कोई एक प्लेस हो गया, थिंग, और जैसे गंगा एक कोई एक नाम हो गया, रिवर का नाम हो गया, रिवर कोई भी एक एक नाम हो गया। ठीक है, तो इसी इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन करते हैं। फिर आता है कि आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसको बोला जाता है? तो जिस संज्ञा से किसी प्रॉपर नाउन के जाति का बोध होता है उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। द कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, द कॉमन नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे रिवर, माउंटेन, फैन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। नेक्स्ट आता है हम लोग का कलेक्टिव नाउन। तो जिस संज्ञा से किसी समूह या दल का पता चले उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो द नाउन विच शोज द ग्रुप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो एक कोई भी समूह को समूह का पता चलता है, जिस संज्ञा से किसी समूह का पता चलता है, ठीक है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो द नंबर ऑफ एनिमल, जैसे द नंबर ऑफ एनिमल को क्या बोलते हैं? कैटल बोलते हैं। द नंबर ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज, इसको क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। द नंबर ऑफ ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ट्रीज होती है, तो इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे बोलते हैं? तो जिस संज्ञा से मापने या तोलने का पता चले उसे हम लोग द्रव्यवाचक या मटेरियल नाउन कहते हैं। द नाउन विच कैन बी मेजर्ड ओनली इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, जिसे हम लोग मापने या तोलने का काम करते हैं। तो जैसे राइस, तो राइस को हम लोग माप या तोल सकते हैं। ठीक है, मिल्क, मिल्क को भी हम लोग माप या तोल सकते हैं। वाटर को भी हम लोग माप या तोल सकते हैं। क्लोथ, एयर, एक्सेट्रा, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिस संज्ञा से हमें भाव का पता चले उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे द नाउन विच शोज फीलिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्डहुड, बचपन, बचपन क्या होता है? हम लोग भाव, इससे हम लोग एक भाव पता चल रहा है कि हमारा बचपन। ठीक है, उसी तरह देखिए लव, हेट, ये सब क्या है? एक भाव है। जैसे लव मतलब क्या? प्यार करना, तो ये एक भाव दर्शा रहा है। उसी तरह हेट की बात करें तो ये हम नफरत, तो ये भी एक भाव दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रकार हो गया, जो काइंड ऑफ नाउन का प्रकार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन। तो नाउन देखिए, नाउन एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब क्या? गिनती संभव है, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब गिनती संभव नहीं है। अब काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में कौन कौन आ जाएंगे? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। वहीं अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो आपका मटेरियल नाउन,
कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएंगे। हम बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन, तो देखिए काउंटेबल नाउन में दो प्रकार होते हैं, एक सिंगुलर होता है एक प्लुरल होता है, ठीक है। सिंगुलर में क्या होता है, एक का सूचक, एक का सूचक जैसे ए एम वन अ बॉय अ एलिफेंट अ गर्ल, ठीक है, ये आपका सिंगुलर में आ जाएंगे। वही अगर बात करें प्लुरल की, तो प्लुरल में देखिए दो या दो से अधिक, जैसे टू थ्री मैनी एक्सेट्रा, टू बॉयज थ्री गर्ल्स मैनी, सिंगुलर में एक और प्लुरल में एक से अधिक, या मतलब दो या दो से अधिक, तो ये प्लुरल में आ जाएंगे। अब रूल क्या कहता है, देखिए अब यहाँ से आपका रूल आ जाता है कि जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपका यहीं से आएंगे, ठीक है। रूल आपको सिर्फ रूल याद करना है। रूल क्या कहता है कि अगर कोई नाउन एस डबल एस एस एच सी एच एक्स वाई जेड ओ या टी एवरी से अंत करता है, ठीक है, तो इसका प्लुरल किसी न किसी नियम पर आधारित होगा। अगर कोई नाउन उपयुक्त शब्द से अंत नहीं करता है तो उसका प्लुरल उस नाउन के अंत में एस लगाकर बनाते हैं। मतलब देखिए ये जो कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन अगर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स वाई जेड ओ या फिर एफ से अंत करता है तो उसका प्लुरल कुछ नियम से बनता है, उसका जो प्लुरल बनाया जाता है उसका कुछ नियम से बनाया जाता है। लेकिन अगर ये सब से नहीं अंत कर रहा है तो सिंपली हम लोग एस लगा कर उसका हम लोग प्लुरल बना देते हैं। जैसे गर्ल, गर्ल देखिए इसमें किस में अंत कर रहा है, तो एल से अंत कर रहा है, तो इसमें हम लोग एस लगा के इसका प्लुरल बना दिए गर्ल्स, ठीक है। उसी तरह फैन, फैन का हम लोग फैंस कर दिए, तो उसी तरह हम लोग ये आपका एस लगा के कर दिए। लेकिन वही अगर बात करें एक्सेप्शन में, तो देखिए एक्सेप्शन में आपका क्या हो जाता है, जैसे मैन होता है तो मैन का हम लोग प्लुरल कैसे बनाते हैं, तो एम ई एन, ठीक है, एम ई एन लगा दिए तो ये मैन हो गया, तो इसका मैन का प्लुरल क्या हो जाएगा, मैन। उसी तरह ओमेन का बात करें तो ओमेन का भी उसी तरह प्लुरल हो जाएगा। फुट, देखिए फुट आपका है सिंगुलर और उसका अगर प्लुरल बात करें तो एफ डबल ई टी फुट, फिट, ये आपका प्लुरल हो गया। उसी तरह आपका तूत, देखिए तूत आपका सिंगल सिंगुलर हो गया, ठीक है, तो टी डबल ई टी एच, इसीलिए हम लोग तित बोलते हैं, तो ये तित आपका क्या हो गया, आपका प्लुरल हो गया। उसी तरह चाइल्ड एक सिंगुलर हो गया और चिल्ड्रेन एक आपका प्लुरल हो गया। तो ये कुछ रूल है, मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक्सेप्शन ही और हमेशा जितना भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रूल। देखिए सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई नाउन एस डबल एस एस एच सी एच एक्स तथा जेड से अंत करता है, ठीक है, तो ऐसे नाउन का प्लुरल हम शब्द के अंत में ई एस लगा कर कहते हैं बनाते हैं, ठीक है, ई एस लगा कर बनाते हैं। कि अगर कोई शब्द, ठीक है, कोई नाउन अगर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स तथा जेड से अंत करता है, ठीक है, तो हम लोग उसका अंत में ई एस लगा देते हैं और उसका प्लुरल बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे बस, तो बस हम लोग का किससे अंत कर रहा है, तो एस से अंत कर रहा है, तो बस का हम लोग अगर प्लुरल बनाएंगे तो उसमें हम लोग ई एस लगा के बसेस कर देंगे। उसी तरह देखिए बॉस, बॉस भी आपका किससे अंत कर रहा है, डबल एस से, तो इसमें भी हम लोग ई एस से ई एस लगा के उसका प्लुरल बना देंगे। उसी तरह बुश, बुश में भी हम लोग ई एस लगा के इसका हम लोग बसेस कर देंगे। तो इस तरह आपको देखिए इसको आपको देख लेना है सब, ठीक है, पॉज करके देख लेना है। अब इसका भी एक्सेप्शन आता है, ठीक है, देखिए मोनार्च, मोनार्च में अगर हम लोग ये एक्सेप्शन है तो इसमें हम लोग सिर्फ एस लगा के इसका प्लुरल बनाते हैं। उसी तरह स्टोमच, स्टोमच में भी हम लोग एस लगा के प्लुरल बनाते हैं। उसी तरह आर्च, आर्च में भी हम लोग एस लगा के प्लुरल बनाते हैं। और उसी तरह ऑक्स, ठीक है, ऑक्स में हम लोग ई एन लगा के ऑक्सन बनाते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ही आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छा से देखना है। नेक्स्ट है नोट। देखिए नोट जो होता है आपका बहुत जरूरी होता है, तो नोट आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि नोट से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका या तो एक्सेप्शन से पूछा जाता है या फिर आपका नोट से पूछा जाता है। तो नोट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कोई नाउन का अंत सी एच से करता हो और उसका उच्चारण च होता है तो ऐसे नाउन का प्लुरल हम शब्द के अंत में ई एस लगा कर बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर कोई नाउन का अंत सी एच से करता है और उसका उच्चारण हम लोग च होता है, ठीक है, अगर मतलब कोई नाउन का जो अंत हो रहा है वो सी एच से अंत कर रहा है और हम लोग उसका उच्चारण च कर रहे हैं, तो उसका हम लोग प्लुरल क्या बनाते हैं, ई एस लगा कर बनाते हैं। जैसे बेंच,
ठीक है। तो बेंच में देखिए लास्ट में सी एच आ रहा है, तो सी एच का मतलब क्या, बेंच। तो लास्ट में हम लोग च उच्चारण कर रहे हैं, तो इसका हम लोग जो प्लुरल बनाएंगे ईएस लगा के कराएं बनाएंगे तो बेंचेज हो जाएगा, ईएस लगा दिए तो बेंचेज हो गया। लेकिन अगर कोई नाउन सी एच से अंत करता है और उसका उच्चारण हम लोग क होता है, ठीक है, कोई नाउन अगर सी एच से अंत कर रहा है और उसका हम लोग उच्चारण क कर रहे हैं, ठीक है, क, तो उस ऐसे नाउन का प्लुरल शब्द के अंत में एस लगाकर बनाते हैं। देखिए मोनार्क, ठीक है, मोनार्क जो लास्ट में है इसमें सी एच है, तो इस हम लोग क्या करते हैं, सी एच है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर क हो रहा, उच्चारण हो रहा, ठीक है, तो उस तरह इसमें हम लोग एस लगा के कर दिए। देखिए आर्क, तो आर्क में देखिए आर्क सी एच हो रहा है, तो हम लोग इसमें उच्चारण कैसे कर रहे हैं, आर्क, तो लास्ट में क्या आ रहा, को आ रहा है, तो इसमें हम लोग एस लगा के एस लगा दिए, तो ये हम लोग का आर्क के आर्क्स बन गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना भी रूल है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, ठीक है, और पूरे इंग्लिश को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये आज का पहला क्लास था, तो अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो मैं और बनाऊँगा वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।